नमस्कार न्यूज आज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राजकुमारी। मुरैना जिला अस्पताल का निरीक्षण करने वाले स्वास्थ्य मंत्री रुस्तम सिंह ने भले ही संतुष्ट होने का दावा किया हो, लेकिन अस्पताल में अभी कई अव्यवस्थाएं फैली हुई हैं। अव्यवस्थाओं के चलते प्रसूता को अस्पताल के मेन गेट पर घंटों इंतजार करना पड़ा, जिसके चलते प्रसूता के मैटरनिटी वार्ड पहुँचने से पहले ही बच्चे को जन्म दे दिया। मध्य प्रदेश शासन के स्वास्थ्य मंत्री रुस्तम सिंह ने जिला अस्पताल का निरीक्षण करते हुए उसे निजी अस्पतालों से बेहतर बताया था, लेकिन अस्पताल के मेन गेट पर महिला के प्रसव होने के मामले ने स्वास्थ्य मंत्री के दावों पर सवालिया निशान लगा दिया है। खवरोली निवासी सोनू बाल्मीक की पत्नी आरती को प्रसव के लिए 108 एम्बुलेंस की मदद से जिला अस्पताल लाया गया था, लेकिन मेन गेट पर वाहनों के खड़े होने की वजह से 108 एम्बुलेंस प्रसूता को लेकर अस्पताल तक नहीं पहुँच पाई। समय पर मैटरनिटी वार्ड ना पहुंचने पर प्रसूता ने एम्बुलेंस में ही बच्ची को जन्म दे दिया, जिससे जच्चा बच्चा दोनों की जान आफत में पड़ गई। प्रसव होने की जानकारी प्रसूता के परिजनों ने अस्पताल के कर्मचारियों को दी, जिसके बाद उन्हें मैटरनिटी वार्ड में पहुंचाया जा सका। कहां से लाए डिलीवरी को? इस डिलीवरी को लाए हम खबरौली से। कहां हो गई ये? ये गेट में घुसते ही हो गई। क्यों? हॉस्पिटल में, क्योंकि उसमें रास्ता नहीं था, इसलिए मोटरसाइकिल लगी थी साइड में, आगे से गाड़ी आ गई, इसलिए वो रास्ते में ही गाड़ी में। हाल ही में स्वास्थ्य मंत्री रुस्तम सिंह ने जिला अस्पताल का निरीक्षण करते हुए व्यवस्थाओं से संतुष्ट होने का दावा किया था। मंत्री रुस्तम सिंह ने ये भी कहा था कि जिला अस्पताल अपनी व्यवस्थाओं के चलते निजी अस्पतालों से बेहतर है। वहीं 108 एम्बुलेंस में प्रसव होने की घटना ने स्वास्थ्य मंत्री के सारे दावों की हकीकत अपने आप बयां कर दी है। मुरैना से गजेंद्र तोमर की रिपोर्ट, न्यूज आज। और फिलहाल के लिए इस न्यूज़ में इतना ही। और भी खबरें जानने के लिए जुड़े रहिए न्यूज़ आज के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।